सबसे पहले मैं इस मीडिया फैक्ट्री का बहुत स्वागत करता हूं, दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपने यहाँ पर कीमती वक्त निकाल के एक अहम योगदान जो आपने देना चाहते हो उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं दिलीप कुमार पिंडता, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहा हूं। जो मेरा मैनिफेस्टो है, जो मेरा विजन है, जो मेरा मिशन है, वो मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं कि मेरा मिशन क्या है, मेरा विजन क्या है, मैं किस लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा मिशन एक ही है, मेरा विजन एक ही है, दैट इज सोशल जस्टिस एंड रीयूनियन। मैं पूरे कश्मीर में घूम के आया हूं, पूरा पुंछ गया, राजौरी गया, मैंडर गया, कृष्णा घाटी गया, कहां कहां गया मैं। जो मैंने लोगों की मिजरीज देखी, जो मैंने लोगों का जो सुकून खोया हुआ सुकून देखा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पिछले 35 सालों से जिन लोगों ने यहां खून की होलियां खेली है, आज वही लोग उन लोगों को दोबारा गुमराह करने के लिए जा रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है उन लोगों से कि 35 साल में उन्होंने कितने लोगों को मारा है, मरवाया है, क्यों मरवाया है? आज जो जम्मू कश्मीर की आम जनता उस खून रिज से त्रस्त हुई है, उसका वो बदलाव लाना चाहती है। जो कश्मीरी माइग्रेंट पिछले 35 सालों से विस्थापन जेल रहे हैं, आज मैं उन कश्मीरी माइग्रेंटों से भी अपील करना चाहता हूं कि मेरा विस्थापन कब तक? आज उस विस्थापन का जवाब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है कि भाई अब हम ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो कल मैं कहीं गया था तो वहां पर मेरे को बोलते भाई हमने कुछ मैसेंजर्स भेजे थे, पीएम पैकेज एम्प्लॉय, उन मैसेंजर्स की क्या हालत है? आज हम एक डेमोक्रेटिक वे में पोलिंग के लिए जा रहे हैं, इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, वो जो मैसेंजर्स वहां गए थे उनको बोला भाई तुम छुट्टी करो, तुम घर आ जाओ। तो ये कौन से मैसेंजर थे? वो उन मैसेंजर का क्या हाल किया उन्होंने? अगर वो बोल रहे कश्मीर बदल गया, कश्मीर बदल गया, कश्मीर बदल रहा है, माना मैंने कश्मीर बदल रहा है, लेकिन कश्मीरियों का दिल तो नहीं बदला अभी। वो कश्मीरियों का दिल पहले बदलना है, उसके लिए हमें उन गरीबों तक पहुंचना है जिन गरीबों का आज तक शोषण हुआ है, उन जो पहाड़ी लोग हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, उन लोगों का जो शोषण आज तक हुआ वो हमें रोकना है। जब तक हम उनके दिल का सुकून नहीं लाएंगे तब तक हम कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। मैं आज दिलीप पिंडता, भगवान राम को शाम को मिला था आदेश कि भाई कल आपको वनवास जाना है, उसको तिलक राज तिलक होना था, लेकिन उसने उसको वनवास का आदेश मिला और उसने वनवास का आदेश मान लिया। उस वनवास के पीरियड में उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी राजा महाराजा का साथ नहीं लिया, उन्होंने वानरों का लिया, उन्होंने वंचित तबके का लिया, उन्होंने शोषित तबके का साथ लिया। तो उसी रास्ते पे मैं आज निकल रहा हूं, मैं उन शोषित लोगों से, उन